हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, कमेंट्स भी आ रहे हैं, वैसे भी पर्सनली भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, साथ में मेल्स भी आ रहे हैं कि सर हमें ये बताओ कि आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो कब आउट हो रही है, साथ में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की आप कब आउट होने वाली हैं। दूसरा, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या मार्च के अंदर ये खबर आ रही है कि क्या वैकेंसीज आउट होने वाली हैं, क्या ये खबर सच है या ये खबर सच नहीं है। इसी के साथ में ही कुछ लोग पूछ रहे हैं सर अभी सुनने में आया है कि वैकेंसी निकलनी ही नहीं है, या पता नहीं क्या हो गया, कैंसिल कर दी हैं, कुछ और हो गया है। तो इसीलिए बस एक वीडियो में चाहता तो कमेंट्स में मेल पे भी रिप्लाई कर देता, पर मुझे लगा कि मुझे आप सभी को भी ये बात बतानी चाहिए। नॉट ओनली कि आप सिंगल एक बंदे को मैं बता रहा हूँ और आप सभी भी उसमें कन्फ्यूजन में है, तो एक वीडियो बेस्ट वे है कि मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी क्वेरी जो आपके मन में हो और वो इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, आरपीएफ हर साल आपके लिए भर्तियां निकालता है, कई बार मिस भी हो जाती हैं, एक दो साल उसके बाद वो निकालता है, लेकिन इसकी आपकी पोस्टिंग आपकी हो जाती है जब ये निकालता है, तो आपके लिए ये बम्पर आपके लिए इसमें निकल जाती है। ठीक है, कॉन्स्टेबल एसआई की पोस्ट के लिए इसमें आपके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में इस पर आपके लिए ये फॉर्म निकलते हैं। अगर बात करते हैं हम 2021 की, तो देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपके मार्च में निकलने वाले हैं, कुछ कह रहे हैं कैंसिल हो गया, वीडियोज भी आपको मिल जाएंगी, बट मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस बारे में कि आपके फॉर्म्स कब आउट होंगे, आपकी लास्ट डेट क्या होगी, फीस कितनी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है। अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। जब भी आरपीएफ की आपकी पोस्ट निकलेगी, मैं आपको वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको लिंक भी मिल जाएगा, इवन डिटेल्स मिल जाएंगी। इतने आप बेफिक्र रहिए, अभी आपकी कोई वैकेंसी नहीं निकली है। अभी कब निकलेंगी इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ आपको तुक्काबाजी बोल रहे हैं नवंबर में निकलेगी, मार्च में, अप्रैल में। जिस दिन ऑफिशियल आपके पास आ जाएगा कि हाँ ऑफिशियल इस दिन मेरे लिए नोटिफिकेशन निकलेंगी, उसी दिन आपकी नोटिफिकेशन रिलीज होंगी। तो आपकी अभी नोटिफिकेशन का कोई चक्कर नहीं है, जिस दिन होगा आपको मैं वीडियो बना के बता दूंगा। दूसरा, नोटिफिकेशन निकलती रहेंगी, वो तो निकलनी है इस बार की, टू बी नोटिफाइड सून है, तो इसका मतलब वो जल्दी आने वाली है, लेकिन आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए। जब आपकी तैयारी अच्छी होगी ना, तो आपको एग्जाम में बैठने में भी और उसे क्रैक करने में भी मजा आने वाला है। ठीक है, तो आप अभी कुछ मत कीजिए, अपने एग्जाम पे ध्यान दीजिए, अपने जीएस को अच्छी बनाइए, रेलवे जीएस अच्छी पूछता है, आप सभी अच्छे से जानते हैं अपने रीजनिंग को, मैथ्स को, और बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं उन सभी को अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए, एक्यूरेसी और स्पीड पे जोर दीजिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी स्पीड अच्छी बनानी है, और स्पीड अच्छी होगी तो आप क्वेश्चंस को ज़्यादा कर पाएंगे। शायद 120 क्वेश्चंस आपके कुछ लगभग पूछे जाते होंगे, 50 जीएस, 35 कुछ करके, अगर इतना है तो आपको अपनी एक्यूरेसी बरकरार रखनी होगी, तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उससे रिलेटेड आप कहीं से भी जो कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस मिलते हैं उन्हें सॉल्व कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, होप सो आपको पसंद आई होगी, अगर ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ऐसी एक वीडियो के साथ आपके सामने फिर मिलेंगे, जिसमें आपके डाउट्स को हम क्लियर करते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।